इस वीडियो में एसएससी जीडी की वेबसाइट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे, बढ़ सकती है या नहीं, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो छोटी रहेगी, ज्यादा लंबी से नहीं करने के, लेकिन सारी जरूरी बातें इस वीडियो में करेंगे। शायद हमारे पास सबसे ज्यादा फोन एक तो बैक फॉर्म के आ रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, और उसके बाद सेकंड नंबर पे एसएससी जीडी के फॉर्म भरने के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही है। अब ऐसा है कि ये वेबसाइट चलती है लास्ट के दो दिन जो होते हैं, मतलब मान के चलो 30 तारीख अगर है तो 29 और 30 तारीख ऐसे दिन होते हैं दो जब वेबसाइट बहुत बिजी चलती है, लेकिन इतनी बिजी कभी नहीं चली कि भाई रात को जिस टाइम भी देख रहे हैं उस टाइम ही बिजी। हाँ चल जाती है बिजी, लास्ट के दो दिन में चलती है, लेकिन दो घंटे तीन घंटे में एक फॉर्म आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार 27 तारीख से ही बंद है, 27 तारीख से एक फॉर्म भी नहीं हुआ है। एक फॉर्म हमारा हुआ 27 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, एक फॉर्म हुआ 27 तारीख की रात को, लेकिन वो फॉर्म वो था जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो रखा था, सिर्फ दो तीन डिटेल डाल के कंप्लीट करना था, ठीक है ना। तो उसमें फीस वगैरह भी नहीं गई क्योंकि फीमेल का वो फॉर्म था इसलिए, ठीक है। तो अभी देखो हमें दो मेजर रीजन लग रहे हैं इस फॉर्म की डेट बढ़ने के, बढ़े ना बढ़े वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें दो कारण लग रहे हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस फॉर्म की डेट बढ़ाई जा सकती है 99%। अब पहला जो रीजन है, पहला रीजन वही है कि भाई 27 तारीख से वेबसाइट बिल्कुल बंद है। एसएससी के इतिहास में आज तक हमने 2014 से फॉर्म भरना शुरू करा था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चार दिन तक एक भी फॉर्म ना भरा गए, वो भी रात को मिला के, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारी अगर बात करें तो मान के चलो एसएससी जीडी की लास्ट डेट है 30 तारीख, तो वो पेपर में 30 तारीख है, हमारी लिस्ट में वो तारीख 28 है लास्ट डेट। हम 28 से पहले सारे फॉर्म कंप्लीट करेंगे और जितने फॉर्म हमने ले रखे सारे क्लियर करेंगे, ये हमारा रहता है। लेकिन 27 को ही वेबसाइट बंद हो गई, तो हमने लगभग 170 फॉर्म इसमें भरे हैं, और ये फॉर्म 9 फॉर्म हमारे 10 फॉर्म रह रहे थे, लेकिन 27 तारीख को एक फॉर्म हमने बताया कंप्लीट हुआ, तो अभी 9 फॉर्म हमारे पास टोटल बचे हुए हैं और व्हाट्सएप पे भी पड़े हुए हैं। तो एक रीजन जो मेजर रीजन था वो ये है कि आपका 27 तारीख के बाद नहीं चली, ये बड़ा रीजन है, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल ही बंद है। स्लो होना एक अलग चीज होती है, बंद होना एक अलग चीज होती है। वेबसाइट, कुछ बच्चे बोलते हैं कि वेबसाइट तो खुल रही है, तो वेबसाइट का वेब पेज खुलेगा, लॉगिन करोगे लॉगिन भी हो जाएगी, लेकिन आगे जो डिटेल है वो नहीं भर पाओगे आप, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश डलेगा या फिर आपका जो भी आपका स्टेट है वो डलेगा, उसके बाद जिले लोड होते हैं, वो नहीं हो रहे। अगर जिले भी एक बार को लोड हो गए तो नीचे की तरफ जहां पे आप 10वीं क्लास की डिटेल डालते हो वहां पे उत्तर प्रदेश और आपका बोर्ड आता लिखा हुआ, वो नहीं होने का। सीबीएसई तो दिल्ली और आपका सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड आएगा, वो नहीं आता। कुल मिला के सबमिट नहीं हो पा रहा फॉर्म किसी भी कारण से हो, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक मेजर रीजन रहा आपका कि 27 तारीख के बाद आपकी जो डेट है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि 27 तारीख के बाद वेबसाइट बंद है आपकी। दूसरा जो मेजर रीजन है, उससे भी बड़ा जो मेजर रीजन है वो ये है कि एसएससी ने वेबसाइट पे डाला है कि भाई वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, वैकेंसी बढ़ गई। तो मान के चलो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं, मैं फॉर्म भरना चाह रहा हूं लेकिन मैं नहीं भर रहा हूं क्योंकि वैकेंसी है और मुझे पता है इस वैकेंसी में नंबर आना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन और फॉर्म भी भरे जाएंगे, फॉर्म की सुन रहे हैं कि 50-60 लाख से प्लस फॉर्म भरे गए हैं इस बार इसके, ठीक है, क्योंकि 10वीं पास से फॉर्म है और 10वीं पास से कोई वैसे भी फॉर्म भर देता है कि चलो पेपर देख के आएंगे कैसा है, जाए ना जाए लेकिन फॉर्म भरेंगे, तो ये चीज होती है। तो दूसरा रीजन, मेन जो रीजन है वो ये है कि वैकेंसी को बढ़ाया गया है और नोटिस डाला गया है। अगर आपकी लास्ट डेट हो जाती इस फॉर्म की और बाद में जो वैकेंसी है उसका एक्सटेंशन का नोटिस आता है कि भाई एक्सटेंड कर दी गई है, जो वैकेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है, तो एक अलग चीज थी। बाद में पहले वेबसाइट को बंद कर देते फिर नोटिस देते, क्योंकि नोटिस में लिखा रहता है कि आयोग के पास अधिकार होता है वैकेंसी को कम ज्यादा करने का, तो वो ज्यादा कर देती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म के आने से 5 दिन पहले उन्होंने नोटिस डाला और फिर तुरंत से वेबसाइट बिजी चल गई, बहुत से बच्चों का मन बना कि भाई हमें फॉर्म भरना चाहिए, तब वो फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो यहां पे एक आयोग की छोटी सी गलती निकल के आती है। वैसे फॉर्म नहीं भरा, पहले भर देना चाहिए था, लेकिन वैकेंसी की वजह से नहीं भर रहे वो, भाई वैकेंसी बढ़ेगी तो देख लेंगे, वैकेंसी बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज है, तो हमारे हिसाब से तो लग रहा है, हमें जैसे लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल भी रात को भी साइट नहीं चल रही है। आपको क्या लगता है आप कॉमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी बहुत से बच्चे हैं जो कॉल करते हैं कि भाई फॉर्म भरा है या नहीं फॉर्म भरा है, क्योंकि 27 तारीख के बाद के उनके फॉर्म है और वेबसाइट नहीं चल रही है, तो अगर हम रात को भी जगे वेबसाइट नहीं चल रही तो हम नहीं भर पाएंगे, ठीक है।
तो हमें इसी वजह से लग रहा है कि इसकी डेट ये जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगर 28 तक वेबसाइट चलती है और 29 को रात को बिजी भी रहती, 5 घंटे में भी फॉर्म नहीं होता, तो फिर पॉसिबिलिटी कम थी। लेकिन अभी 27 तारीख से वेबसाइट बंद है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और दूसरा रीजन हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी जो भी इससे रिगार्डिंग आपका सवाल हो, एसएससी जीडी से रिगार्डिंग, कमेंट में बताना। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। अगर आपको इसके बारे में कुछ बताना है, जैसे कि आपको क्या लगता है, तो आप कमेंट में बताना। अगर हमें लगा कि वो कमेंट मतलब ऐसा कमेंट है कि सब उसको देखें, सबकी नजर उस पर जाएगा, एक वैल्यूएबल कमेंट है, तो हम उसको पिन कर देंगे जिससे वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यही था इस वीडियो में, आपको बस ये बताना था कि एसएससी जीडी के बारे में आप परेशान अगर हो रहे हो, या फिर आपने किसी कंप्यूटर सेंटर पे फॉर्म दे रखे, जैसे हमारे पास बहुत से बच्चों के फॉर्म आ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं भरा, कैसे नहीं भरा ये चीज, तो हमने आपको बता दिया कि आप अगर आपने कहीं और फॉर्म दे रखा है तो आप उनसे किस तरीके से बात करें, और किस तरीके से आपको ये सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि भाई इतनी तारीख से रियल में साइट नहीं चली। ठीक है ना, तो ये भाई अपडेट थी। अगर आपको लगता है, आपको इसकी जानकारी है कि भाई क्या कुछ हो सकता है, या फिर आप वैल्यूएबल फीडबैक अपना देना चाहते हो, तो कॉमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए।